पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्ति की ओर आ रही है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारी जनपद में विकास कार्य में तेजी से लाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके तहत जनपद में हो रहे कार्यों के साथ ही कार्यकलापों का निरीक्षण करने में भी अब प्रशासनिक अधिकारी जुटने लगे हैं। इसी के तहत गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह शहर के कटघर क्षेत्र गुलाबबाड़ी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कार्य कर रहे स्टाफ में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में निरीक्षण के दौरान देखा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही प्रकार कार्य कर रहा है या नहीं। साथ ही शहर के सीवर लाइन का जो पानी रामगंगा नदी में जा रहा है, उससे रामगंगा नदी का जल प्रभावित तो नहीं हो रहा, ये भी जिलाधिकारी ने देखा। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने गुलाबबाड़ी पर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया है। प्लांट सही तरह से कार्य कर रहा है। जो पानी रामगंगा में जा रहा है, शहर के सीवर का जो सारा पानी इस प्लांट के माध्यम से फिल्टर होने के बाद रामगंगा नदी में जा रहा है, जिससे रामगंगा के जल की शुद्धता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने आप में ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अभी आज की डेट में लगभग ये 30 MLD पर चल रहा है और इसको प्लान चूँकि आगे के लिए किया गया है, लगभग 8 MLD का पूरा प्लांट पूरी तरह से साइंटिफिक ढंग से बनाया गया है और जो वाटर फाइनली रामगंगा में डिस्चार्ज हो रहा है, शहर का पूरा सीवर लिक्विड वेस्ट यहाँ आता है और फाइनली जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस सारे पैरामीटर्स को पूरी करता है और जिससे रामगंगा के जल की शुद्धता में किसी प्रकार का प्रभाव न हो। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे नगर और काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रहा है और L&T द्वारा यहाँ पे बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इस प्लांट का ऑपरेशन से अच्छे से संचालित किया जा रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से पूरी टीम बधाई के पास। सर, मुरादाबाद में अब भी पानी का जल भराव हो जाता है, तो क्या अब ये प्लांट और भी आगे तेजाई से बढ़ने की संभावना है? नहीं, देखिए दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो बरसात का पानी होता है वो स्टार वाटर बोला जाता है, माने बरसात के लिए उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जो बरसात का पानी होता है सबसे शुद्ध पानी होता है। ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, घरों के सीवर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए होता है और दुर्भाग्य से कई जगहों पर हमारा जो स्टार वाटर है और सीवर है आपस में मिल गए हैं, तो उसको अलग अलग करने की निश्चित रूप से हमें प्रक्रिया करनी होगी और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये स्टार वाटर के लिए नहीं बल्कि सीवरेज के लिए, जो पानी का जल भराव बरसात में होता है उसके लिए हम अलग से कर रहे हैं। अच्छा, कोई दिशा निर्देश दे के गए? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।